चलिए भाई, ये क्वेश्चन करके बताइए कि तीन नंबर दे रखे हैं और तीन नंबर किस रेशियो में, 2:3:4। अगर इन तीनों का एलसीएम है 240, तो इन इन तीनों में से आपका, सॉरी गलत कैसे लिख दिया, हाँ एलसीएम है इसका 240, तो इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर बताइए कौन सा है। तो ये कैसे करोगे, सबसे पहले एचसीएफ को हम लेट कर लेंगे कि एक्स है, तो नंबर कौन कौन से हो गए हमारे, एचसीएफ से मल्टीप्लीकेशन कर दो है 2x 3x 4x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि एलसीएम कितना होता है, एलसीएम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये होगा 2x 2x, मतलब क्या कहते हैं, एलसीएम इन इन इस नंबर का क्या होगा, ये तो कॉमन ही है एक्स, तो एक्स तो आएगा ही, और फिर यहाँ पे 2, 3 और 4 का क्या होगा, इसका 12, तो 12x इसका एलसीएम हो गया। पर एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240 क्वेश्चन में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स विच इज इक्वल टू 20। एक्स की वैल्यू अब यहाँ पे रख दो, तो आपको सबसे छोटा चाहिए, तो 2x 2 into 20 कर दो, डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, और नंबर कौन कौन से हो गए, 3 into 20, 40, 60 और 80 नंबर हो गए आपके। तो ये था क्वेश्चन, अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।